1962 की लड़ाई में मात्र 22 वर्ष की उम्र में शहादत देने वाले शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट छत्रपति सिंह का आज ऊंचा गांव में शहीद स्मारक पर 62वां जहां शहादत दिवस मनाया गया, वहीं द्वितीय विश्वयुद्ध में सेना का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार वीर चक्र प्राप्त करने वाले उनके पिता कर्नल गिरिधारी सिंह को भी याद करते हुए संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जहां परिजन मौजूद रहे, वहीं सेना के रिटायर अधिकारी भी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की तथा पिता पुत्र की गौरव गाथा के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि साल परिजनों द्वारा 23 नवंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरा नाम उधम सिंह अधाना है, ग्रैंडफादर लेट सूबेदार मेजर सुमेराम अधाना, वो कर्नल गिधारी जी के साथ ही उसी बटालियन में थे। उनको इस देश का उस समय का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो इंडियंस को दिया जाता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट को मिला है, और उसके बाद उससे पहले उनको IDSM और मिलिट्री क्रॉस। ये जो धरती है जहाँ हम खड़े हैं आज, ये सारे शहीद मतलब हमारे छत्रपति जी जो हमारे, मैं सूबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन जयचंद, 33 साल सेना में सेवा बलिदान दे करके और हमको आज जीवित किए हुए हैं। आज हम पूरे सैनिक यहाँ पर इकट्ठे। मेरा नाम कर्नल गोपाल सिंह, विशेष सेवा मेडल अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा। आज यहाँ 23 नवंबर 2024 को कर्नल गिरधारी सिंह के पुत्र लेफ्टिनेंट छत्रपति सिंह का बलिदानी दिवस के कार्यक्रम में हम यहाँ सभी पधारे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। कर्नल गिरधारी सिंह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनको दो बार मिलिट्री क्रॉस या मिलिट्री क्रॉस बार बार मिला। उसके बाद में 19